વાપી નજીક આવેલા દમણના કુંતા ગામના કુંતેશ્વર મહાદેવ મંદિરે શ્રી બાબા રામદેવ પીર નવયુવક મંડળ દ્વારા એક શામ બાબા રામદેવજી કે નામ ભજન સંધ્યાના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. દમણ સેલવાસ વલસાડ જિલ્લામાં રહેતા મેઘવાળ સમાજના લોકોના આસ્થાના પ્રતિક એવા બાબા રામદેવ પીરના ભજન સંધ્યાનો કાર્યક્રમ કુંતાના કુંતેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતે રાખવામાં આવ્યો હતો. મેઘવાળ સમાજના ભાઈઓ બહેનોમાં સમાજની એકતા અને ભાઈચારાની ભાવના જળવાઈ રહે તે માટે યોજાયેલા ભજન સંધ્યાના કાર્યક્રમ રાજસ્થાનથી આવેલ પ્રતિષ્ઠિત ગાયક વૃંદના કલાકારોએ ભજનની રમઝટ બોલાવી હતી. महाप्रसाद रहता है, सारी व्यवस्था अच्छे से की गई है. बाहर से काफ़ी सारे लोग आते हैं और करीब करीब 500 हज़ार लोग के आजू बाजू का भोजन प्रसाद देता है और उनका भजन मंडली है और भजन मंडली में अच्छे गायक कलाकार अच्छे को सारा संगठन बना बना के यहाँ बुलाया गया है जो रात भर चलेगा और सवेरे कुछ दर्जा की बोलियाँ चढ़ेगी. उसके आशा के उसके साथ गुलाब जी भाटी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और हम इनको भी सहयोग करेंगे और ये हमारा सहयोग दे रहे हैं और सहयोग देते रहेंगे और इनके साथ जुड़े हैं और जुड़ते रहेंगे और ये हर साल हम कामना करते हैं कि अच्छे से अच्छे प्रोग्राम होए. हमको समाज को जोड़ना, जो पर प्रांतीय लोग हैं, हम कहाँ राजस्थान से है, यूपी से है, बिहार से है, जो भी हमारे समाज के जो लगता है उसको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, एकजुट पे एक मंच पे आने की कोशिश कर रहे हैं. यही मेरा उद्देश्य है. ये हमारे श्री बाबा रामदेव पीर जी का प्रोग्राम है, हमारे मेघवाल समाज का है. हम हमारा ये इष्ट है और हम प्रवासी संघ राजस्थान से हैं और ये हर साल हम मनाते हैं. ये वर्ष का तीसरा प्रोग्राम है. ये बाबा रामदेव के नाम से हम समाज को एकत्रित करते हैं, समाज को जोड़ रहे हैं और ये बाबा रामदेव जी पीर को 36 कुम हमारे सब धर्म ये सब मानते हैं. ये हम लोग बाहर आके क्यों हम एक दूसरे को मिले, कैसे मिले, क्या प्रोग्राम करें, कैसे कहाँ क्या करते हैं, क्या सर्विस करते हैं, कहाँ धंधा करते हैं, कहाँ कैसे रहते हैं, वहाँ रिश्तेदार रहते हैं, उनको जोड़ने के लिए एक स्नेह मिलन के हिसाब से ये प्रोग्राम हम यहाँ पे दमन में कर रहे हैं. इसमें हमारे दमन वापी सेलवास यानी कि जिला वलसाड़ गुजरात से पूरे टीम हमारी जुड़ी हुई है और ये प्रोग्राम हम हर साल करते हैं.